बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू नाज़रीन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद यही कि आप सब खैरियत से होंगे। एक नई सुबह, एक नया दिन, जहाँ जहाँ हमें देखा जा रहा है पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आज का दिन आपके लिए खैर का बायस हो, खुशियाँ लेकर आए, हमेशा यही दुआ रहती है। और जब तक मुझे मौका मिलेगा इस सीट पर बैठने का, मैं आप लोगों के लिए यही दुआ करती रहूँगी, क्योंकि खुशियाँ जो है ना, वो इंसान की ज़िंदगी में बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। और मेरे ख्याल से गम भी आते हैं ज़िंदगी में, लेकिन जब तक खुशियाँ ना हों, तो वो कहते हैं ना, ज़िंदगी का एहसास कुछ नामुकम्मल सा रहता है। तो ये चीज़ें, लेकिन अब हमें कुछ गम ज़्यादा मिल रहे होते हैं, इसलिए खुशियों की दुआएं जो है वो दूसरों के लिए ज़रूर करनी चाहिए और अपने लिए भी करनी चाहिए। आज जिस प्रॉब्लम के हवाले से हम आपके सामने डिस्कशन करने जा रहे हैं, इस पर अगर बात की जाए तो मेरे ख़्याल से एक प्रोग्राम, या अगर मैं एक पूरा हफ्ता भी डेडिकेट करूँ इस प्रॉब्लम को, तो शायद वो कम होगा। क्योंकि दिन ब दिन ये मर्ज़, ये बीमारी, और हमारी बॉडी का ये जो इतना वाइटल ऑर्गन है जिसे लिवर कहा जाता है, इसकी बीमारियां, इसके प्रॉब्लम्स इतने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं कि लोग जो हैं इसकी वजह से ना सिर्फ कैंसर का शिकार हो रहे हैं, बल्कि और भी मुख्तलिफ बीमारियां हैं। जो लिवर का फंक्शन जब डिसऑर्डर हो जाता है, जिस और वो बीमारी का शिकार हो जाते हैं लोग, ना सिर्फ पाकिस्तान में, बल्कि अगर हम वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करते हैं तो वहाँ पर भी जो है, जब मैं रिसर्च पढ़ रही थी, तो पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा लोग जो हैं वो लिवर के फंक्शन के डिसऑर्डर की वजह से वहाँ पर लोगों की अमवात भी होती है और वो परेशानी में मुब्तला भी होते हैं। अगर हम इनके रीजंस की बात करें तो दो तीन बहुत ख़ास चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ आती है शराब का इस्तेमाल, अल्कोहल का इस्तेमाल। ये एक ऐसी चीज़ है जो इंसान के जिगर को, उसके लिवर को बर्बाद कर देती है, और ये ख़ुद ख़रीद कर बीमारी जो है ना, वो आप अपने अंदर पैदा कर रहे होते हैं। ये एक बड़ा ख़ास वजह है। मोटापे की एक वजह बहुत अहम बताई जाती है, और इसकी वजह से कुछ माहौल की तब्दीली भी बताई जाती है, जिसकी वजह से कहते हैं कि आपका लिवर जो है वो ख़राब हो जाता है। फैटी लिवर, हेपेटाइटिस, ये तमाम चीज़ें, जितनी चीज़ें जुड़ी हैं लिवर से, इनको हम कोशिश करेंगे कि आज जो है वो हम डिस्कस कर सकें। पानी की खराबी, या जो गंदा पानी हम इस्तेमाल करते हैं, जो हमें पाकिस्तान में बदकिस्मती से गंदा पानी मिलता है, इसकी वजह से भी जो है ये लिवर के अमराज बढ़ते जा रहे हैं। एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो यकीनन, मैं भी जब इंटरनेट पर सर्च कर रही थी तो मुझे इनकी बहुत सारी चीज़ें लिवर के हवाले से मिली, कहीं इनके टॉपिक्स भी मौजूद थे, कहीं पर इन्होंने जो है तिब्बे नबवी के हवाले से भी चीज़ें जो हैं वो बताई हुई थी। आज हमारे साथ ऑन एयर मौजूद हैं आगा साहब, हम इनसे जानेंगे कि कैसे हम ये लिवर के फंक्शन को बेहतर कर सकते हैं और लिवर के अमराज जो हैं उनसे हम बच सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम आ सब, आप कैसे हैं? मेरे अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया बुलाने का। और बस हम आपको नहीं बुलाएंगे तो फिर वो बरकत कैसे हो? बस यही मैं कुछ कह रहा था, वही आपने पूरा कर दिया। बस ये चीज़ ज़रूरी है, ये मेरा अपना मानना है, बाकी जो कहते हैं वो उनकी अपनी सोच है। ऐसा ये अच्छा, मैं बड़ी अजीब सी चीज़ है कि हम जो वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करते हैं ना, हम हर चीज़ में उनको देख रहे होते हैं, हम हमारी प्रॉब्लम है। अब जब मैं किसी तरह की बीमारी का, या किसी तरह की प्रॉब्लम का, या किसी चीज़ के बारे में जब मैं चीज़ें देखती हूँ, रिसर्च करती हूँ, और मैं देखती हूँ, मैं कहती हूँ अच्छा उनके पास ज़्यादा है, हमारे पास कम है, तो मुझे पता नहीं क्यों अजीब सी चीज़ें, लेकिन मुझे एक तसल्ली और एक खुशी होती है कि चलो ठीक है, हम उन इस मामले में कम अज़ कम उनसे बेहतर हैं। लेकिन हाँ, ये सोच कर मुझे दुख हुआ कि अगर मैं लास्ट ईयर के या पिछले कुछ सालों के नंबर देखूं और आज का मैं नंबर देखूं, तो हमने ये बीमारी ख़ुद बाकायदा ख़रीदी है और हमने लोगों को बेची है, तो इसमें तो हम बहुत ज़्यादा कसूरवार हैं ना, और आने वाले दिनों में शायद हम उन लोगों के साथ खड़े होंगे जिगर के अमराज में। इस पर भी मैं आपसे बात करूँगी, लेकिन पहले आप ये बता दें, ये जो लिवर है इसका फंक्शन क्या है, और ये इंसानी जिस्म में कितना ज़रूरी है, कितना सपोर्टिव है। अपनी बात करने से पहले से ना एक छोटी सी बात आपसे पूछनी है। अच्छा, मुझसे पूछेंगे आप? मैंने तो चाय ले ली, मैंने कहा वाह आप बात करेंगे, मैं चाय पीऊंगी। एक बहुत खूबसूरत सा घर बनाइए, ठीक है, उसमें किचन ना बनाइए। ओके, तो वो घर कैसे? बस वो घर कैसे,
वो क्या हुआ फिर, जिस घर में किचन ना हो वो घर नहीं हुआ ना, उसको आप घर नहीं कह सकते, वो उसको रेस्ट हाउस कह सकते हैं, कह सकते हैं गेस्ट हाउस कह सकते हैं, वो अपना नहीं होता, वो अपना नहीं, जहाँ पर आप कुछ कहते हैं ना खाना पकाना और ये सारी अपनाइयत वहाँ पैदा होती है। इंसानी जिस्म में जिगर किचन की हैसियत रखता है। अच्छा, जिस्म के हर केमिकल को डील करना, उसके असरात को रिसीव करना और उसको सेव करना, सेव करने के बाद टॉक्सिन्स को उसकी ख़त्म करना और बॉडी को फ्रेश और बेहतर केमिकल फराहम करना, ये है जिगर। अच्छा, अगर हम सिर्फ इतनी सी बात को समझ लें तो बहुत सारी चीज़ें खुद ब खुद आसान होंगी। अच्छा, जैसे मैं या मुझ जैसे बहुत सारे लोग होंगे, जब तक हम चीज़ों को जानते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, तो एक ख़ास एक थॉट पूरे सोसाइटी में चल रही होती है और वही हम समझते भी हैं। बहुत अच्छी चीज़ है साथ में, मैंने कहा जब ये आए थे तो मैंने इनसे पूछा, लीवर जो है वो तो खून बनाने का काम करता है, तो उन्होंने मुझे कहा नहीं, ये उसके तमाम फंक्शन से एक फंक्शन हो सकता है, लेकिन हम ये समझते हैं कि बस जिगर जो है वो सिर्फ खून बनाता है, उसका और कोई काम डेफिनेटली होगा, लेकिन जो एक एक नॉर्मल थॉट है या एक आम बात जो समझी जाती है वो यही समझी जाती है कि इसका काम सिर्फ खून बनाना है। आप कह रहे हैं ऐसा नहीं है, ऐसे और बेशुमार काम है जो आपके टॉक्सिन्स को क्लियर कर रहा होता है। ये बेसिक हमारे जिस्म में जाने वाली हर चीज, उसको न्यूट्रलाइजेशन एजेंट अगर चाहिए तो लिवर देगा। ठीक है, और अगर ये खराब हो जाता फिर? अगर ये खराब हो जाए तो न्यूट्रलाइजेशन एजेंट नहीं आएंगे। हाँ। मसलन आपने बात की कि यूरोप में या वेस्टर्न वर्ल्ड में लिवर की बीमारियां हमसे ज्यादा हैं। हाँ। वहाँ क्यों है? जो अल्कोहल जो लोग पीते हैं वो अल्कोहल जा करके जिगर जब उन्हें न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करता है तो खुद अपने सेल डैमेज करता रहता है। खुद जब वो डैमेज करता है तो वो एक मर्तबा जाकर के वो अल्कोहलिक लिवर हो जाता है, और अल्कोहलिक लिवर जो है वो फिर किसी काम का नहीं रहता, उसके जिस्म के सारे फंक्शंस खराब हो जाते हैं। ऑलराइट, जिगर का एक बहुत अच्छा सा मैं कंपैरिजन के लिए अर्ज करता हूँ, दो चीजें। ठीक है, जिगर बनाता है हेपरिन। हेपरिन के बारे में पूरी दुनिया शायद ये जानती है कि हेपरिन खून पतला करने की बेहतरीन दवा है, फौरन खून पतला करती है। डायलिसिस से पहले हर पेशेंट को हेपरिन लगाते हैं ताकि खून पतला और उस मशीन से गुजरने में आसानी हो सके। तो हेपरिन खून पतला करने वाला केमिकल है जो जिगर बनाता है, जिगर में स्टोर होता है, जिगर ही इसको डील करता है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं ये जो हेपरिन है और मैं अगर हेपेटाइटिस की बात करूं तो मुझे थोड़ा सा मिलता जुलता नाम, कोई कनेक्शन है इनका आपस, कोई कनेक्शन? हेपरिन इज 100% डिफरेंट चीज। अच्छा, ठीक है। हेपेटाइटिस, हेपा असल में कहते हैं कि हेपा का मतलब है जिगर, ओके, टाइटिस का मतलब वर्म, वर्म में जिगर, हेपेटाइटिस। ठीक है, राइट। मैं अर्ज कर रहा था कि हेपरिन, हेपरिन वो केमिकल है जो हमारे जिस्म में खून को पतला करने के लिए हमारे जिगर में मौजूद होता है। ठीक है, बिल्कुल इसके मुखालिफ विटामिन के जो खून को गाढ़ा करने के लिए इस्तेमाल होता है वो भी जिगर में मौजूद होता है। अब इसके बैलेंस को कैसे डील करना है अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ अ पर्सन, इन तमाम चीजों को रिलीज कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, ये सारे फैसले जिगर को करने और किसी और को करने। Okay. तो जिगर की, अच्छा अब मैंने जिस तरह की कि हर केमिकल जो है ना वो जिगर डील करता है, अब अगर फर्ज करेंगे किसी शख्स के बोन मैरो से खून बनना है तो उस खून बनने के अमल में जो जिस्म का सबसे बड़ा उज्व उसकी मदद करता है वो जिगर है। right. तो जिस तरह आपने फरमाया कि जिगर खून बनाता है, पार्टली ये बात ठीक है। Okay. इसलिए कि जब तक के आप पास रॉ मटेरियल ना हो उस वक्त तक जिगर खून बनाएगा कैसे? अच्छा, तो मैं क्या ये बात समझ सकती हूँ कि अगर जिगर में खराबी पैदा हो जाए या जिगर खराब हो जाए या लिवर डिसऑर्डर शुरू हो जाए तो खून बनने का अमल जो है वो मुतासर होने लग जाता है? यकीनन मुतासर होता है, और इससे हट करके एक और चीज भी आप सोचो, एक चीज होती है प्लेटलेट्स। Yes. प्लेटलेट्स जो है वो हमारे जिस्म में किसी भी तरह खून अगर बह रहा हो तो उसको जमने के लिए उसके केमिकल एक्शन के साथ खून को रोक देते हैं। प्लेटलेट्स काउंट्स का कम हो जाना खून के बहने के अमल को बढ़ा देता है। प्लेटलेट्स जिगर की हर बीमारी में पैदा होते हैं, और प्लेटलेट्स को बहुत सारे लोग जो नथी कर लेते हैं, हमारे यहाँ आमतौर पर जब डेंगू फीवर होता है उसके साथ, तो डेंगू फीवर लिवर को खराब करता है। इसका मतलब मैं इसमें बहुत मुख्तसर सी अगर बात करूं तो जिगर हमारे जिस्म के हर केमिकल को डील करने की सलाहियत रखता है। अब वो केमिकल हम कैसे खा रहे हैं, हम अपने आप को कैसे डैमेज कर रहे हैं, ये हमारा अगला सवाल होना चाहिए।
हाँ बिल्कुल, कि आखिर वजूहात क्या हैं। एक तो बड़ी मेन वजह जिसको अभी हम डिस्कस कर रहे थे, जो वेस्टर्न वर्ल्ड में भी बहुत है, लेकिन हमें भी उस पर कोई फ़ख्र नहीं करना चाहिए। हमारे माशरे में भी ये चीज़, अगर हम अक्लियतों की बात करें तो अक्सरियत में भी ये चीज़ जो है वो बहुत बढ़ती जा रही है। शराब नोशी का इस्तेमाल, अल्कोहल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। ये तो स्मोकिंग तो बहुत ही आम सी चीज़ है, ये तो फैशन है। और अब तो शराब नोशी भी ऐसी हो गई है कि जो नहीं करता महफिल में उसको जो है वो आउटडेटेड या इस तरह के अल्फाजों से जो है उसको नवाजा जाता है कि अब। और लेकिन हम इन तमाम चीज़ों के इस्तेमाल से अपनी आने वाली नस्ल को या हम अपने मुआशरे को कहाँ लेकर जा रहे हैं, ये एक बड़ी तकलीफ अमल है। जहाँ हमें हमारा दीन इस चीज़ से मना करता है, वहीं वेस्टर्न वर्ल्ड के अगर आप रिसर्च पढ़ें तो वो भी ये कहते हैं कि ये चीज़ ना सिर्फ आपके दिमाग को माफ़ करती है, आपसे सही और गलत की जो है सोच छीन लेती है, इसके साथ साथ आपके लिवर को कम्प्लीटली स्पॉइल कर देती है कि आपकी बॉडी जो है वो किसी काम की ना रहे। एक कॉलर भी है, उन्हें शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा। हेलो जी, मैं मिसेस शाहनवाज बात कर रही हूँ। मुझे आवाज़ आपसे एक सवाल पूछना था। जी कहिए जी। अपने बेटे के हवाले से पूछना था। मेरा बेटा जो है 11 साल का है और उसको जो है टॉन्सिल्स का प्रॉब्लम है, मतलब बहुत ज्यादा, इतना कि उसको सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है। ठीक है। रात को सोता है तो उसके जो एडेनाइड नाक के हुदूद है वो भी बहुत बड़े हुए, मगर मुझे अभी डॉक्टर ऑपरेशन करने से, मतलब ऑपरेशन नहीं करवाना चाहती। तो मैंने कहा अगर आगा साहब मुझे कुछ कोई हर्बल ऐसी चीज बता दें जिससे उसके टॉन्सिल्स और उसका नाक का इशू ठीक हो जाए। खाएंगी। आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं कराची से बात कर रही हूँ। अच्छा ठीक है, आप ऑन एयर सुनिएगा प्लीज। बहुत शुक्रिया मिसेस शाहनवाज आपकी कॉल का। जी आगा साहब, हम जिगर की बात कर रहे थे। मैं चाहूँगी आप इनको, कि ये सुन रही होंगी और ये मुझे लगता है बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है इनका, सो आप इनको क्या सजेस्ट करें? वो कहती है मैं नहीं कराना चाहती, लेकिन क्या आपको लगता है इस हालत में जहाँ सांस भी ना ली जा रही हो और ऐसी कंडीशन हो, और तो क्या उनको ऑपरेशन कराना चाहिए? और बड़ा छोटा सा टॉन्सिल्स का ऑपरेशन होता है, तो लेज़र हो जाता है ईजीली। देखिए, टॉन्सिल्स के ऑपरेशन को वक्त पर ना कराने का एक नुकसान है। अच्छा, नुकसान ये है कि ये हमारे जोड़ों के दर्द को पैदा करता है, और जोड़ों का दर्द पेरिकार्डाइटिस पैदा करता है, जो गिलाफ़ कल्ब है, दिल के ऊपर जो झिल्ली चढ़ी हुई है पेरिकार्डियम, उसके वर्म की बाका बाइस बनती है, और उसके बाद आमतौर पर ये बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन। कितना खूबसूरत वर्ड आपने इस्तेमाल किया, गिलाफ़ कल्ब, इतना अच्छा लगा मुझे ये सुन के, माशाल्लाह बड़ा अच्छा लफ्ज़ है, पहली बार सुना मैंने। तो आपने कहा ये उसको टॉन्सिल्स जो है, बाकी बात भूल गई मैं आपकी, मुझे से वो मैं उस वर्ड पे कॉन्सेंट्रेट कर रही थी। तो आपने कहा उसको ये वो स्पॉय खराब कर रही होती है, डैमेज करता है ये टॉन्सिल्स, अगर डैमेज हो रहे हो तो ये घुटने के जोड़ों पर असरअंदाज होते हैं, और घुटने के जोड़ों की जब बीमारी होती है वो पेरिकार्डाइटिस तक जाती है, ये पूरा का पूरा सीक्वेंस है। ओके, तो टॉन्सिल्स के ऑपरेशन में वहां तक नहीं जाना चाहिए जहां तक इसके अंदर खराबियां पैदा हो जाएं। इसका एक पैमाना है ASOT, ओटाइटर्स, ये आप टेस्ट करवा लीजिए। अगर ये 600 को क्रॉस कर गए हैं तो इसका मतलब ये कि टॉन्सिलाइटिस जो है ये खराब हालत में जा रहा है, आपकी सर्जरी करवाना नेमत है, नहीं करवाएंगे तो आप मसाइल बढ़ाएंगे। हाँ, क्योंकि हम डॉक्टर फसील अमीर आते हैं हमारे पास जो ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं, तो वो यही कहते हैं कि ऐसी कंडीशन में एडेनोइड जो है वो निकलवा देनी चाहिए। बट डेफिनेटली आपका फिजिशियन आपके लिए बेस्ट सजेशन दे सकता है, आगा साहब आपको बेस्ट मशवरा दे सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं अपने तजर्बे से बताऊँगी, क्योंकि मैं भी टॉन्सिल्स ऑपरेट करा चुकी हूँ, मेरा अपना लेज़र हुआ था। बहुत प्रॉब्लम होती है, गला सांस नहीं लिया जाता, स्कूल की छुट्टियां हो रही होती हैं, लाइफ डिस्टर्ब हो रही होती है, लेकिन जब आप एक बार करा लेते हैं ना, उसके बाद बड़ी अच्छी नॉर्मल लाइफ हो जाती है। आप ये आपकी इम्यूनिटी को भी कम करता है, और जब आप ये दो दिन का भी आई थिंक ये सिचुएशन नहीं होती, उसके बाद आप नॉर्मल हैं। मेरी दरख्वास्त है कि सिर्फ इसको टॉक्सिक होने से बचा लीजिए, ठीक है, नंबर एक। नंबर दो बात यह कि मेरा छोटा सा सवाल पूरी लोगों से है, वो ये कि पूरी दुनिया में पेट का डॉक्टर जो है वो दिल का इलाज नहीं करता। हाँ। दिल का डॉक्टर जो है वो हड्डियों का इलाज नहीं करता। हम सबका कर देते हैं इलाज, लेकिन हम कर लेते हैं, लेकिन आप टेंशन मत लें। पूरी दुनिया में ENT, हम की बात नहीं हो रही, दुनिया के उसूल की बात करिए। ENT, ईयर नोज थ्रोट का डॉक्टर हमेशा एक होगा।
क्यों होगा? क्योंकि कनेक्शन एक है ना, कनेक्शन एक है, सिस्टम एक है। तो बीबी एडिनॉइड्स को आज हम रो रहे हैं, टॉन्सिलाइटिस को बाद में रोएंगे, उसके बाद कान के मसले को रोएंगे, इसलिए कि ये तीनों एक ही हैं। एक एक चीज आप निकालते रहिए, उसके बाद कान के पर्दे की मुसीबत फिर थोड़ी होगी। काफी देर से बेचारे होल्ड पर हैं, आई एम सो सॉरी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? जी मैं अंबर बात कर रही हूँ, मुझे आवाज आपसे बात करनी है। जी जी, अपना सवाल कीजिए। जी मुझे थायराइड का प्रॉब्लम है, मैं आवाज आपको डायरेक्ट चेक करवाना चाहती हूँ, अगर लाहौर का इनका विजिट का नंबर मिल जाए। अच्छा, आई थिंक इसी मंथ में आगा साहब लाहौर आ रहे हैं, मैं अभी आपको बता देती हूँ पूछ के। थैंक यू सो मच अंबर आपकी कॉल का। सब कब जा रहे हैं आप लाहौर? 29 और 30। ओके राइट, 29 और 30 को जा रहे हैं। आपको आगा साहब का नंबर आप कॉल करके MCR से ले सकती हैं, अदरवाइज़ इंटरनेट पर भी आप किसी भी सर्चिंग स्टेशन पर अब्दुल गफ़ार आगा डालेंगी तो वहाँ पर आपको आगा साहब के नंबर्स कॉन्टैक्ट मिल जाएंगे, तो आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अच्छा आगा साहब, मैं वापस आऊँगी फैटी लिवर की तरफ, क्योंकि हमारी बात, बल्कि हम लिवर की बात कर रहे थे। एक आम ये लफ्ज़ बहुत सुना जाता है जिसको आपने एक बार सो कॉल्ड फैटी लिवर, मुझे याद है आपने कहा था। सब ये फैटी लिवर है क्या, ये क्यों हो जाता है? देखिए, जिगर का काम है बाइल बनाना, पित्त बनाना, ठीक है। अब बाइल बना करके पूरी फैक्ट्री हमारे पित्ते में डाल देती है, पित्ते का कांटेक्ट नीचे आंत से है जो ड्यूडिनम होती है। ड्यूडिनम कहते हैं उसे अरबी जबान में, इसे असनाश्री 12 अंगुष्ठी आते, इसका जो साइज है हमेशा 12 उंगल होता है। नाम दोबारा बताएं। असनाश्री, असनाश्री, सना कहते हैं दूसरी को और अशर का मतलब 10 है। अच्छा। तो 12 का जो हिंसा है उसको सानी अशरन अरबी जबान में कहते हैं, तो उस आंत का नाम ही असनाश्री है, इंग्लिश में उसे ड्यूडिनम कहते हैं। Okay. ये 12 उंगल की आंत होती है, सिर्फ हर इंसान की ये आंत सिर्फ 12 उंगलियों के बराबर है। राइट। ये देखिए बड़ी अजीब ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो हमारे यहाँ आम तौर पर लोग इसमें बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं देते। अच्छा, जब मेदे से कोई खाना निकल कर इस ड्यूजिनम में आता है तो यहाँ पर पित्ते की नाली खुलती है। सही। जब यहाँ पर कोई चिकनाई जाती है तो इरिटेशन पैदा होती है और इस इरिटेशन के बाद मैं माफी चाहता हूं, इस इरिटेशन के बाद जो बाइल है वो पुश करके नीचे आ जाती है और ये बाइल हमारे जिस्म के फैटी एसिड्स का न्यूट्रलाइजेशन एजेंट है। ओके राइट, मजीद भी बात करेंगे। पहले कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम सलाम जी। जी कौन बात कर रहे हैं? जी मैं राणा मुबशर जी वजीराबाद से बोल रहा हूँ। जी राणा साहब, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी। मैंने पूछना था जी, ये जिगर का जो मसला है जी, ये इसकी जो खराबी हो रही है कि सिर्फ पानी की वजह से ही हो रही है या इसके लिए और भी कोई एहतियात करनी पड़ेगी? अच्छा बिल्कुल, क्योंकि बेशुमार ये इस तरह के मसले होते हैं, पानी से भी हो रहा है, कोई खाने पीने से भी हो रहा है। मैंने ये पूछना था कि हम बाजार में रहते हैं, क्या पानी की एहतियात करनी है या किसी और चीज से भी करनी जी? अभी हमारे प्रोग्राम में इस बात का, आपके हर सवाल का जवाब आ जाएगा। राइट आप फॉलो करते रहिए प्रोग्राम। थैंक यू सो मच राणा साहब आपकी कॉल का। जी सब, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि जिगर के अफान बहुत सारे हैं, जिस तरह पित्त आ गई, पित्त नीचे उतरी, ये फैटी एसिड्स को न्यूट्रल करती है, इसके बगैर फैटी एसिड्स का न्यूट्रल होना मुश्किल होता है। ठीक है, ओके। एक टेक्निकल सी बात है कि जिंदगी रही तो इसको बड़ी वजाहत से अर्ज करूंगा कि पित्ते की सर्जरी के बाद लोगों को चिकनाई खानी चाहिए या नहीं, कि बहुत बड़ा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और किसी वक्त बैठ करके साइंटिफिकली मैं आपको प्रूव करके दूंगा कि जिन लोगों के पित्ते की सर्जरी हो चुकी है उनको चिकनाई जरूर खानी चाहिए। अच्छा, दुनिया कहती है नहीं खानी चाहिए ना, मैं साइंटिफिकली प्रूव करके दूंगा कि चिकनाई जरूर खानी चाहिए, एक मखसूस वक्त पर खानी चाहिए, और इसकी आदत अगर नहीं बनाएंगे तो पित्ते की सर्जरी के बावजूद लिवर में कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएंगी अगर आप नहीं खाएंगे। सही, खाना पड़ेगा। हम बिल्कुल चिकनाई को इतना बदनाम कर देते हैं कि हमारी बॉडी में, वो तो कहते हैं ना, आप अगर आप बिल्कुल भी अपनी बॉडी से चिकनाई खत्म कर देंगे तो आप अपनी बॉडी को न्यूट्रलाइज कैसे कर सकेंगे? भाई बात ये है कि अगर चिकनाई नहीं होगी तो घुटने के जोड़, हाथ के जोड़ चलेंगे। हाँ, आप अपनी स्किन पर मॉइस्चराइजर ना लगाएं तो बिल्कुल ड्राई हो जाती है, बॉडी का फंक्शन भी इसी तरह के हैं। राइट जनाब। अच्छा, बहुत सारे सवाल हैं इस हवाले से। कुछ लोगों को लिवर कैंसर भी हो जाता है, लिवर ट्रांसप्लांट भी किया जाता है,
हेपेटाइटिस भी, और अभी जो मेरे कॉलर थे उन्होंने जो सवाल किया बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आखिर कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आपका लिवर फंक्शन डिसऑर्डर हो जाता है। इन तमाम चीज़ों पर बात होगी आफ्टर दिस ब्रेक, मेरे साथ रहिए। सलाम पाकिस्तान। Oh, to the future. Once again, welcome back. Salaam Pakistan Nazreen. Abdul Ghaffar Agha sahab हमारे साथ मौजूद हैं और आज हम लिवर के हवाले से बात कर रहे हैं कि जब लिवर का फंक्शन डिसऑर्डर हो जाता है तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स जो हैं हमें फेस करनी पड़ती हैं, हम एहतियात क्या कर सकते हैं। मैं सवाल की तरफ आऊँगी राना साहब के, जिन्होंने पूछा सब हमने अल्कोहल की बात की, हमने पानी की बात की, जो हमें गंदा जो है पानी मिलता है, हमें साफ पानी पीने को नहीं मिलता जिसकी वजह है, और कौन कौन सी वजूहात हैं, मोटापे को भी कहा जाता है कि वो जिगर के अमराज की वजह बनता है, और कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से जिगर के अमराज बढ़ते हैं, एहतियात क्या करनी होगी हमें। मैं आपके इस जुमले को ही एनालाइज करना शुरू करूं। मैंने पहला जुमला कहा था कि जिगर हमारे जिस्म में जाने वाले हर केमिकल का रिसीवर है, न्यूट्रलाइजेशन एजेंट उसमें पैदा होते हैं और फिर बॉडी को वो देता है। ये वो दरमियान का एक सिस्टम है जिसके बगैर हमारा जिस्म नहीं चल सकता। इस सिर्फ इस बात को अगर आप सामने रखें तो अब यहाँ पर पानी मैदे में जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन एजेंट कौन करेगा, लिवर। लिवर में अगर गंदा पानी जा रहा है तो क्या लिवर का फंक्शन डिस्टर्ब होगा? बिल्कुल होगा। होगा? अच्छा, अब दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट बात राणा साहब के हवाले से मैं अर्ज करूं, राणा साहब ने बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल किया, दूसरी क्या चीज है, हम अल्कोहल की बात कर चुके, अल्कोहल ने जाकर के फिर वही लिवर को डैमेज करना है। मेरा सवाल यह है कि क्या इस वक्त क्या ये रिसर्च नहीं आ गई कि हमारी तमाम वो चीज़ें जिसके अंदर हम प्रिजर्वेटिव्स इस्तेमाल करते हैं क्या वो जिगर को नुकसान नहीं पहुंचाती? बिल्कुल आ गई वो चीज़ खाने पीने वाली। हमारे यहाँ एक चाइना साल्ट बड़ा मशहूर हो गया, हर खाने में डालो टेस्ट बढ़ा लो, अजीनोमोटो लोग कहते हैं, लेकिन इनफैक्ट दिस इज सोडियम मोनो बाई ग्लूकोमोनेट, चाइनीज सॉल्ट या अजीनोमोटो जो भी आप उसको नाम जो नाम चाहे अजीनोमोटो, क्योंकि ब्रांड नेम है तो हम कोशिश करेंगे कि उसका नाम ना लें। मेरी दरखास्त सिर्फ इतनी सी है कि इस केमिकल के बारे में भी तय हो गया कि ये जिगर को इतना नुकसान पहुंचाता है जितना शराब नहीं पहुंचाती। चुनाचे जो यूरोपियन कंट्रीज हैं या ईस्टर्न वेस्टर्न वर्ल्ड है, इस वेस्टर्न वर्ल्ड ने यह पाबंदी लगा दी है कि अगर ये केमिकल किसी होटल में पाया गया तो उसका स्टार 2 कम कर दिए जाएंगे। राइट लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ वो अपने केमिकल नेम के साथ उन तमाम अक्सरियत डब्बों में मौजूद होता है जो हम मसाले के तौर पर खाने में इस्तेमाल। अच्छा, फिर यहाँ ये बताएं ये जो हम गंदम खाते हैं, ये जो हम कहते हैं यूरिया हमारा खराब है, तो फिर तो अगर मैं वहाँ से बात करूँ तो फिर माशाल्लाह से हम तो वहाँ से हमारी खराबी शुरू हो रही है और फिर तो पता नहीं कहाँ बर्बादी जाके खत्म होगी। एक कॉलर ले लेती हूँ, फिर मुझे पता है इस पर आप बहुत कुछ कहना चाहते हैं। पहले एक कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, कौन है हमारे साथ? जी बात कीजिए। जी वालेकुम अस्सलाम। ये मैंने पूछना था, मेरे जोड़ों में दर्द और ये क्या कहते हैं जिगर में थोड़े से चर्बी से आई हुई है, उसके पर वो मसला है। बहुत सी ऐसी बीमारी जोड़ों का बहुत ज्यादा, घुटनों में बड़ी तकलीफ रहती है, और सारे बाल झड़ रहे हैं, बाल का भी मसला है बालों का। तो मैंने कहा आगा साहब का इंतजार कर रहे, आपसे बहुत कॉल कर रही हूँ, आपके अभी मिली आपकी कॉल। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। Right. आप बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का मिदा साहब। अभी आप प्रोग्राम फॉलो करते रहिए, मैं ज़रा सी थोड़ी सी देर में ज़रा इसको हम कवर कर लें लिवर को, देन मैं आपके सवाल मैंने नोट कर लिए, हम इनका जवाब भी लेंगे। जी आया साहब, मेरी दरख्वास्त ये कि अगर हम इस उसूल को समझ लें तो फिर बहुत सारी चीज़ों का समझना आसान हो जाएगा। अब जितने प्रिजर्वेटिव हैं उसमें मुसीबत है, जितनी भी दवाएँ हैं दवाएँ वो जो हम अपनी बीमारियों के लिए खा रहे हैं वो भी लिवर को डैमेज कर रही है। आप ये देखिए कि वो तमाम दवाएं जो हम मिर्गी के जिगर को बचाने के लिए हम अपनी दवाएं का इस्तेमाल छोड़ दें। मैं वही दरख्वास्त करना चाह रहा हूं कि अगर कोई शख्स मिर्गी की दवाएं खा रहा है, अगर कोई शख्स
किसी किस्म की कीमोथेरेपी की कोई ओरल दवा ले रहा है, तो डॉक्टर हमेशा कहता है कि उसका SGPT बार बार चेक कराते हैं ना, SGPT जरूर चेक करवाना चाहिए, ALT जिसे कहते हैं। मेरी दरखास्त ये कि ये चेक इसीलिए करवाया जाता है कि जो केमिकल हम दे रहे हैं उसका न्यूट्रलाइजेशन एजेंट फिर वही जो लिवर है और लिवर को वो दवा डैमेज कर रही है। अब इसकी डैमेजिंग प्रोसेस कितना है ये जानने के लिए हम ALT या SGPT टेस्ट करवाते हैं। सही। जितनी भी दवाएं TB के लिए इस्तेमाल होती हैं, TB की जितनी भी दवाएं हैं जब वो लिवर से गुजरती हैं तो लिवर के सेल्स को डैमेज करती हैं। और बाकायदा जो लोग ट्यूबरक्लोसिस का अपना कंप्लीट कोर्स करते हैं उनको LFT करवाने का मशवरा भी इसीलिए दिया जाता है कि उनका लिवर जो है वो डैमेज हो रहा होता है, उन दवाओं से डैमेज हो रहा होता है। तो लिवर फेलियर की जितनी भी कॉजेज की अगर हम बात करें तो उन कॉजेज में अगर मैं सबसे बड़ा कॉज लूँ तो सबसे बड़ा कॉज है केमिकल का इस्तेमाल। अब वो केमिकल क्या होंगे, वो केमिकल एक कुश्ता भी हो सकता है, वो केमिकल एक दवा भी हो सकती है जो रिफाइंड हालत में है, वो केमिकल दूध में डला हुआ प्रिजर्वेटिव भी हो सकता है, वो केमिकल अजीनोमोटो भी हो सकता है या सोडियम ग्लूकोमोनेट हो सकता है। मेरी दरखास्त ये है कि इन तमाम चीजों को अगर हम देखें, अब उसके बाद पानी का पोल्यूशन कि पानी में कितनी गंदगी है, पानी के अंदर कितनी प्यूरिफिकेशन नहीं हुई, ये तमाम चीजें उसके अंदर शामिल हो गई और हर चीज जिगर से होकर क्योंकि गुजरी है लिहाजा जिगर को वो डैमेज कर रही है। अच्छा, अब ये तो जो आपने बात कही है तो आपने बहुत ही ब्रैकेट कर दी इस बात को कि समझ आ जाए आसानी से कि कोई भी वो चीज़ चाहे वो हवा के ज़रिए हमारे जिस्म में जा रही है या ग़िज़ा के ज़रिए हमारे जिस्म में जा रही है या हम उसको पानी की सूरत में ले रहे हैं, अगर उसमें केमिकल है या जर्म्स मौजूद हैं तो वो आपके अंदर जो है जाकर आपके लिवर को डैमेज कर रहे होते हैं, राइट, जिसकी वजह से हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी और सी जो है वो भी आपके जिस्म में जो है बीमारी जो है वो पैदा हो जाती है, यही वजह बनती है ना और ये तमाम चीज़ें। जैसे मैं यहाँ एक और भी चीज़ देख रही थी कि बहुत सारे लोगों से मैंने सुना जो लोग पंजाब में बसते हैं या जो लोग वहाँ पर रहते हैं वहाँ पर हेपेटाइटिस की बीमारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, एक मोहल्ले में भी तीसरे चौथे घर में जो है वो हेपेटाइटिस का पेशेंट मौजूद होता है। अभी सिंध में भी ऐसा है, सिंध में भी हेपेटाइटिस बढ़ रहा है लेकिन इस तरह नहीं है जितना पंजाब में है। वहाँ पर लोग कहते हैं कि शायद फैक्ट्रीज़ का धुआं है जिसकी वजह से ऐसा है, फिर कुछ लोग कहते हैं पानी की वजूहत है, आई डोंट नो, अल्लाह आलम की बेहतर वजह जो भी बताने वाले हैं उनको जानना भी चाहिए अगर अब तक नहीं जान सके। जब अगर मैं आपसे पूछूं, आप तो उस हिस्से में घूमते भी रहते हैं, घूमते हैं से मुराद ये कि आप क्लिनिक करते हैं, आपके पास वहाँ पेशेंट आते हैं, क्या रीज़न है कि वहाँ ये मर्ज इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और अब लोगों के लिए बड़ा कॉमन है कि ठीक है कोई बात नहीं, हेपेटाइटिस हो गया तो अब दवाइयाँ खा लेंगे ठीक हो जाएगा, कभी नेगेटिव हो जाता है कभी पॉजिटिव हो जाता है, एक ही जिस्म में बार बार पैदा होता है। देखिए सच तलख होता है। हाँ। मैं सच अगर बोलूँ तो हेपेटाइटिस की बीमारी, हेपेटाइटिस जिगर के वर्म जो वायरल है, ये आपने ABCDE 5 हैं, ये सारे हेपेटाइटिस की किस्में हैं लेकिन है ये हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस का मैंने पहले भी अर्ज की कि वर्म जिगर को कहते हैं, वर्म जिगर का बाज औकात नॉन वायरल हेपेटाइटिस भी होता है, नॉन वायरल भी होता है। मेरी दरख्वास्त ये है कि जिगर पर क्या क्या चीज़ें असरअंदाज हो रही हैं उसके हवाले से अगर बात करें तो सिंध और पंजाब को छोड़ दीजिए, मैं आपसे एक बात अर्ज करूँ सिंध की, सांगढ़ ज़िले के अंदर हर तीसरा शख्स हेपेटाइटिस सी का पेशेंट। बिल्कुल। लोअर पंजाब में चले जाइए, लैया से लेकर के मुल्तान तक और डेरा गाजी खान की पूरी ये पट्टी ले लीजिए, यहाँ पर हर चौथा शख्स हेपेटाइटिस का पेशेंट है। ऊपर चले जाइए तो कोहाट के करीब वाला एरिया जो है वो पूरा का पूरा, मैं फिर वही कहूंगा कि तीसरा चौथा शख्स हेपेटाइटिस का पेशेंट। क्यों है ऐसा, यही वजूहत, यही फैक्टर्स जो हमने डिस्कस किए, फैक्टर्स तो कहे जाते हैं, असल फैक्टर कुछ और भी है। वो क्या है? इस पूरे अंडर डेवलप्ड शहरों में, इलाकों में आज भी डॉक्टर के पास एक चूल्हा होता है, एक पतीला होता है, शीशे की सरिंजें होती हैं, इस्तेमाल शुदा सरिंजें इस्तेमाल करने का वहां पर रिवाज है। सही। और बहुत तल्ख बात कह रहा हूं लेकिन ये सच है कि जो हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए स्क्रीन करवाते हैं ये स्क्रीन का स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से बहुत दूर है।
चुनाचे इस स्क्रीन टेस्ट के बावजूद इस बात का इम्कान होता है कि जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ है उसमें हेपेटाइटिस मुंतकिल हो जाए, आज भी मुमकिन है। क्योंकि आप जिन फैक्टर्स की बात करें, अगर मैं पोल्यूशन की बात करूं या मैं केमिकल शुदा गज़ा की बात करूं, तो वो शायद बड़े शहरों में हम ज़्यादा जो है वो प्रिजर्वेटिव फूड्स का इस्तेमाल करते हैं, या हम बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ ये जो क्या कहते हैं जो फीड्स करके चिकन हमें पहुँचाया जाता है, बट अगर हम इन छोटे शहरों की बात करें, यहाँ पर तो बड़ी ऑर्गेनिक चीज़ें हैं जो इस्तेमाल करे होते हैं, वैसे भी उनकी अपनी है, दूध भी अपना है, फिर वो उनकी चिकन भी अपनी देसी है, तो वो उनका फूड इतना वो नहीं है आर्टिफिशियल जितना हमारा है, लेकिन ये बीमारी उनके पास ज़्यादा है जिसकी वजह आप अब बता रहे हैं। असल बात ये, नंबर एक। नंबर दो बात ये कि अगर हम इसको कंपेयर करें ना, तो आज यूरोप में एक बात बड़ी तेजी के साथ वापस आ रही है, वो ये है कि तमाम फूड जो है वो ऑर्गेनिक होने चाहिए। ऑर्गेनिक का मतलब ये है कि उसके अंदर इंसान के हाथ का बनाया हुआ कोई केमिकल ऐड नहीं होगा, दैट इज ऑर्गेनिक। तो अब वहां पर ऑर्गेनिक की जो अवेयरनेस आ गई है वो सारे के सारे वहां आ गए हैं जहां हम 60 साल पहले थे, और हमने अपनी वो डगर खो दी, हमने अपनी बुनियाद खो दी। उस बुनियाद के खोने की वजह ये बनी, कीमत भी तो अदा कर रहे हैं अब हम उसकी। अच्छा, यहाँ पर एक छोटी सी बात और एक तल्ख अर्ज कर दूं, हमारे एंडोस्कोपी और प्रोक्टोस्कोपी का रिवाज बहुत ज्यादा हो गया है, जो कैमरा आपके अंदर डाला जाता है। अच्छा, जो आपने एंडोस्कोपी की उसमें अगर खुदा ना खास्ता कहीं पर वेरिसेस हैं, तो डॉक्टर जो है हेपेटाइटिस सी के पेशेंट की बैंडिंग भी करता है। ओके। मैं दरख्वास्त करूंगा कि ये कैमरा कभी भी इस पोल्यूशन के या हेपेटाइटिस का सबब बन सकता है, वो लोग जो कैमरा अंदर डाल रहे हैं। कितने पिक्सल होते, कितना मेगापिक्सल होता होगा वो नजर? हां, सिर्फ 2 मेगापिक्सल। 2 मेगापिक्सल yes. है उसकी। फिर वो लोग क्लीनिंग कैसे होती होगी उसकी, मतलब उसको स्टेरिलाइज करते होंगे? नहीं, नहीं होती। मैं आपसे कह रहा हूं कि लोगों को बहुत बुरा लगेगा, लेकिन मैं ये बिल्कुल वाजे तौर पर लोगों से कहना चाहता हूं कि जो लोग एंडोस्कोपीज करवाते हैं वो 100% ऑन रिस्क होते हैं हेपेटाइटिस सी के। अल्लाह पर, ये देखें आप कितनी सारी हकीकतें हैं जो हम यहाँ इन 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 टॉपिक्स को लाने का और डिस्कस करने का मकसद ये होता है कि हमारे इर्द गिर्द अक्सर चीज़ें ऐसी हो रही होती हैं जिनको हम बड़ा इजी और कॉमन ले रहे होते हैं, लेकिन वो हमारे लिए कितना नुकसानदेह होती हैं ये हमें अंदाज़ा ही नहीं होता। और प्लीज़ मैं एक और भी रिक्वेस्ट करूँगी कि ये जो लोग ऑफिस जाते हैं या जो लोग जिनका काम बाहर का है, कोशिश करें अपने घर वालों से, मैं उनके घर वालों से रिक्वेस्ट करूँगी, एक छोटा सा लंच बॉक्स, जो अब हमने रिवाज खो दिया है, वो बहुत अच्छी रिवायत थी, वो जो एक होता था ना टिफिन, अब नहीं है। अब लोग अजीब सा समझते हैं कि हम लंच बॉक्स घर से लेके जाएंगे, मैं कोई बच्चा हूँ? नहीं, प्लीज़ आप अपना लंच बॉक्स अपने घरों से लेकर आइए, क्योंकि जो हम बाहर के खाने खाते हैं, जो हम रोज़ बाहर से लंच मंगवाते हैं, चाहे कोई भी चीज़ हो, चाहे आप सब्ज़ी खा रहे हैं या आप चिकन मंगवा रहे हैं या आप बर्गर खा रहे हैं, आप पिज्ज़ा खा रहे हैं, ये चीज़ जब डेली आप अपनी रूटीन में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो ये भी आने वाले वक्तों में जो है वो आपके लिए बीमारी का सबब बनती है। तो ये जो लंच बॉक्स वाला जो वो एक रिवाज था ना, वो जो टिफिन था वो वापस लाना पड़ेगा। वो बहुत सारी चीज़ों के आप इंतजाम लिए, बर्गर भी, ये भी, वो भी, आप बिरयानी भूल गई, सबसे ख़राब चीज़ है। वो मेरी फेवरेट है ना, मैंने कहा वो बैन नहीं होनी चाहिए। नहीं, उसमें भी वही होता है, उसमें भी वही होता है, बिल्कुल होता है, डेफिनेटली होता है। अरे, मेरी दरख्वास्त ये कि ये तमाम चीज़ें पीजिएगा, पर यहाँ पर आपने बड़ी अच्छी बात की है लंच वाली, कि लोग लेकर के जाएं। यहाँ मैं एक छोटी बात का इजाफा कर दूंगा। जी जी, ऑफिस में 10 लोग, जब एक ब्रेक ले लूँ अगर आपकी इजाज़त हो, मैं जब ब्रेक से वापस आऊँगी ना, तो आज अब आज आपको एक जो है क्या बता रहे हैं हम, जुशांदा है, जुशांदा भी आपको बताएंगे। फिर जिन लोगों को ये बात पता चल चुकी है कि उनको फैटी लिवर का प्रॉब्लम है, उनको क्या करना चाहिए, इस पर भी हम बात करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। मेरे साथ रहिए, सलाम पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक, सलाम पाकिस्तान। नाज़रीन, आप सबको एक बार फिर से खुश आमदीद। अब्दुल गफ़ार आगा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और आज हम लिवर के हवाले से बात कर रहे हैं। ये जो बॉडी का एक वाइटल ऑर्गन है, अगर ये डिस्टर्ब हो जाता है तो फिर क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, और आप कैसे इसको जो है वो महफूज रख सकते हैं, वजूहात क्या हैं, इस पर हमने बात की जिनकी वजह से ये तमाम प्रॉब्लम्स होती हैं। आप, क्योंकि वक्त भी मेरे पास कम है, सब ख़ास तौर पर ये बता दीजिए, ये जो फैटी लिवर है, ये जो बड़ा कॉमन होता जा रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, फैटी लिवर हो गया है,
चिकनाई छोड़ दो, ये सब चीज़ें कर दो, इस पर तो आपने बात की। मैं थोड़ा सा हल की तरफ आऊँगी और ये बात करूँगी कि करना क्या चाहिए ऐसी सिचुएशन में। तो अगर आपको पता चल गया है कि आपका फैटी लिवर है, तो रूटीन क्या होनी चाहिए, रूटीन ऑफ लाइफ, और आप अगर हर्ब्स की कोई चीज़ बताना चाहें। देखिए, मैं अर्ज करता हूँ, फैटी लिवर इसलिए पैदा होता है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल का रेशो जब लिवर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो फिर उसके ऊपर जो स्किन है, वो स्किन आप ज़ाहिर दुनिया देखती है कि जिगर जब हम निकालते हैं किसी जानवर का, तो उसके ऊपर एक झिल्ली जैसी होती है, झिल्ली को वाइट सी, ये झिल्ली जो है ये केमिकल के ज़्यादा अमल की वजह से ये आहिस्ता आहिस्ता वाइट होती जाती है, इसके ऊपर लेयर आती जाती है, ये लेयर आने की वजह से जब हम अल्ट्रासाउंड करते हैं तो वो फैटी लिवर यानी उसके ऊपर वाइट लेयर नज़र आती है, तो उसको हम लोगों ने टेक्निकली फैटी लिवर कह दिया है। फैटी लिवर का मतलब लिवर में चिकनाई नहीं है, फैटी लिवर का मतलब डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल ऑफ द लिवर, ये है असल इसका मतलब। अच्छा, राइट। तो अब उस डिस्ट्रक्शन को कैसे ठीक करना है, वो बात आपकी, एक छोटी सी बात मैंने ब्रेक में रह गई थी कि वो बहुत सारे लोग अपना अपना खाना ले जाते हैं, अपना खाना लेते हैं, मोहब्बत में सारे के सारे मिलकर बैठ के खाना खाते हैं, खुदा के लिए ऐसा मत कीजिए। ये क्या बात है ऐसा? क्यों नहीं ऐसे मत बोले? मैं करता हूं। एक घर से गाय का गोश्त आया है, हाँ। एक घर से बकरे का गोश्त आया है, कोई शख्स कीमा लाया है, कोई शख्स चिकन लाया है, कोई शख्स सब्जी लाया है, उसके बाद कुछ लोग जो है खाना नहीं लाए, लिहाजा वो बाजार से बिरयानी मंगा लेते हैं। मैं फिर आप बुफे बंद करा दें, पर एक वक्त फिर आप बुफे बंद करा, बिल्कुल बुफे सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह है, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ। तो फिर आप सबको दस्तरखान पर बैठने दें फिर, जब तक बुफे चल रहा है। तो बात ये देखे ना, आपको वापस आना पड़ेगा। फिश भी है, मटन भी है, बीफ भी है, प्रॉन्स भी है, हर चीज है, एक एक लाइन से लगी हुई है, और आप 25-25 सौ रुपए पर हेड पे भी कर रहे हैं और आप बुफे खा रहे हैं। आप यकीन कीजिए, आप सिवाय जुल्म के अपने साथ कुछ नहीं कर रहे। फिर लस्सी भी है, और फिर ड्रिंक्स भी है, और फिर कॉफी भी है। मेरी दरख्वास्त ये है कि आपको वापस आना पड़ेगा उस देहाती, उस दीनी इस्लामी तर्ज जिंदगी पर, तब तक आप बेहतर नहीं हो सकते। लोगों ने कहा कि जी पेट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, हम बैठ के काम करते हैं। नो, मैं उनसे आज भी दरख्वास्त करता हूं कि आज भी दो काम कर लीजिए, उकड़ू बैठ के पानी पीना शुरू कीजिए, और आलती पालती मार के नीचे बैठ के खाना खाना शुरू कर दीजिए, 40 दिन के उनका बढ़ा हुआ पेट कम हो जाएगा। क्यों? अच्छा, कम हो जाएगा इसलिए कि खड़े होकर पानी पीने से जो मेदे पे नुकसानात होते हैं, आप साइंस को छोड़ दीजिए। मैं कहता हूं, क्या नबी करीम साहब का हुक्म काफी नहीं है? बिल्कुल, अगर उनका हुक्म काफी है तो खुदा के लिए ऐसा कर लीजिए, आप देख लीजिए आपकी सेहत बेहतर हो जाएगी। राइट, राइट। खैर, हम जिगर के लिए कुछ चीजें बात कर रहे थे, हो जाए जी, बताइए। मैंने ये अपने सामने 6 बूटियां रखी हुई हैं, ये तमाम चीजें हर जगह आसानी से किसी भी पंसारी की दुकान पे मिल जाएंगी। ये बहुत छोटे छोटे से दाने हैं सर, इसका नाम है अजवाइन। राइट, अजवाइन जो है ये बहुत अच्छे होते हैं, और अजवाइन का इस्तेमाल, मुसलसल इस्तेमाल फैटी लिवर को ठीक करता है, लोअर एब्डोमेन की चिकनाई को खत्म करता है, और हमारे हजम के निज़ाम को बहुत बेहतर करता है। ठीक है, क्योंकि फैटी लिवर को ठीक करता है, लिहाजा जो डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल्स हो रही होती है लिवर में उसको ठीक करता है। अच्छा, हींग इज, हींग अलग है और अजवाइन अलग है? अजवाइन तो, हींग की स्मेल बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है, बिल्कुल डिफरेंट चीज। और वो वबाई अमराज के लिए कहते हैं बड़ी अच्छी होती है, वो उसके करीब कहते हैं बैक्टीरिया जरासीम नहीं आते, नहीं आते। और वो लोग जब बहुत ज्यादा वबा कोई फैली हुई हो तो हींग जो है वो पोटली में बांधकर सीने में बच्चों को लटका देते हैं, तो उन्हें वो जरासीम का असर नहीं होता। मेरी नानी कहती थी कि आप अपने घरों की ना खिड़कियों पर और दरवाजों पर वो पोटली बना के ना छोटी सी हींग की वो लगा देती थी, तो स्मेल बहुत ज्यादा होती थी, इसलिए मुझे याद है। लेकिन बड़ों की बातें जो हैं वो यकीनन इटसेल्फ एक हैसियत रखती हैं, और उससे यकीनन ऐसा ही होता होगा, वो नेचर है। हाँ। और आज भी मैं ये दावा कर रहा हूँ कि मैं रहूं या ना रहूं, लोगों को इसी पर वापस आना पड़ेगा। हाँ। पूरी दुनिया आ रही है, आना पड़ेगा, ये हमारी मजबूरी है। Alright, वो दादियाँ वापस आ जाएंगी। हाँ, अल्लाह करे वापस आ जाएं कहीं से जी। ये अजवाइन, दूसरी दवा है, इसका नाम है सौंफ। सौंफ, ठीक है। अजवाइन, सौंफ, ये है गुलाब की पत्तियाँ। ओके, बड़ी आसान चीज़ें हैं ये। अजवाइन भी आसानी से मिलेगी, सौंफ भी होगी, घर में पुलाव बनता है तो सौंफ भी होगी, और जो है ये है गुलाब की पत्तियाँ। ठीक है, ये है पुदीने की डंडियाँ, खुश्क पुदीना है। पुदीना है या डंडियाँ? ये पुदीना है, इसमें पत्तियाँ कम होती हैं, डंडियाँ ज़्यादा होती हैं, इसलिए डंडियाँ रह जाती हैं, पत्तियाँ ज़्यादा। तो ये चार चीज़ें तो वो हैं जो घर घर में आमतौर पर जानी पहचानी जाती हैं। सही, चार। पांचवी चीज है, इसका नाम है कासनी। कासनी, ओके। कासनी, इसको इंग्लिश में कहते हैं चिकोरी।
राइट, मजे का नाम है चकोरी। बहुत नदीन तो याद नहीं आया ना। चकोरी, वो चकोरी था ना, वो ये चकोरी है। ठीक है, तो ये चकोरी इंग्लिश में कहते हैं, उर्दू में कासनी। ओके, कासनी को घर में उगाएं बरकत के लिए। अच्छा, कासनी को गमले में उगाएं मगर बरकत के लिए। क्यों? कि कासनी का जब फूल निकलता है, उस फूल पर गिरे हुए शबनम के कतरे ऐसे ही हैं जैसे जन्नत के पानी के कतरे। माशाल्लाह, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस। माशाल्लाह, राइट। कासनी गमले में उगाएं, लेकिन उगाएं जरूर। हर घर में कासनी होना चाहिए। ठीक है, वेरी नाइस। ये पांचवी चीज। और छठी चीज ये है मको, इट्स कॉल्ड ब्लैक नाइटशेड। ये मको जिगर के अमराज के लिए एक बहुत अच्छी दवा है। इसकी सब्जी सिंध में और पंजाब में आमतौर पर मौसम में बहुत ज़्यादा खाई जाती है। और अगर किसी शख्स को जिगर का कोई मसला हो तो वो मको के पत्ते, मको की भाजी बनती है। अच्छा। मको के पत्ते और मूली के पत्ते बराबर मिकदार में पीस कर उसका पानी निकाल कर अगर वो पानी पिए तो उस पानी के इस्तेमाल से फैटी लिवर ठीक हो सकता है। मको और मूली। अच्छा। इसके पत्ते। अच्छा, मूली के बारे में छोटी सी बात याद आ गई, आपसे दरख्वास्त करूं कि मूली खाने से बाकी चीजें तो हजम हो जाती है लेकिन मूली हजम नहीं होती। मूली पड़ी रहती है, मूली स्मेल भी बहुत पैदा करती है, डकारें भी बहुत लाती है। मूली को हजम करने के लिए बेहतरीन दवा है मूली के पत्ते। अगर मूली खाने के साथ आप मूली के पत्ते खा लें तो मूली कभी भी ऐसा नहीं होगा कि डकारें आएंगी, मूली हजम हो जाएगी। तो मको के पत्ते और मूली के पत्ते, कुछ लोग हैं जो मूली के पत्ते मूली के साथ इस्तेमाल करते हैं, वो उसको फेंकते नहीं, और उसमें भी जो बड़े बड़े पत्ते होते हैं वो नहीं, उसके साथ जो छोटे छोटे से पत्ते साथ लगे होते हैं ना उनका इस्तेमाल किया जाता है, वो जो ज्यादा फ्रेश होते हैं। एग्जैक्टली, मेरी दरख्वास्त है कि वो लोग जो घर में सैलेड बनाते हैं उसको भी कट करके, जिस तरह कट करते हैं गाजर का, उसके साथ साथ आप छोटे छोटे पत्ते भी मूली के रख दें, उससे क्या होगा कि आपके पेट के निजाम को बेहतर करने में मदद हो जाएगी। नंबर एक, पेट का निजाम बेहतर करने का मतलब ये है कि हमने न सिर्फ मेदे का निजाम ठीक किया बल्कि जिगर का निजाम भी ठीक किया। और जिगर पे जब हम बात कर रहे हैं तो जिगर के लिए ही मैं अर्ज करता हूँ कि गाजर का जूस बेहतरीन दवा है। अच्छा, इसलिए कि इसमें बीटा कैरोटीन है। मतलब अगर आपको फैटी लिवर है या लिवर को कोई और प्रॉब्लम है तो आप गाजर का जूस, गाजर, लेकिन गाजर पाकिस्तानी इम्पोर्टेड है, वो ऑरेंज वाली नहीं। नहीं, ऑरेंज वाली नहीं, गाजर जो उसका तो पता नहीं जूस भी कैसा होता होगा, मैंने तो कभी ट्राई नहीं किया। तो गाजर जो है वो उसका जूस, उसके साथ विटामिन सी ऐड कर लें, किसी भी सिट्रस फ्रूट को इस्तेमाल कर लें। ये दोनों चीज़ों का इस्तेमाल आमतौर पे, और मेरे पास जो रिसर्च वर्क है मेरा उसमें मोर देन 2000 लोग अब हैं जो लोग सिर्फ तीन चीज़ों के इस्तेमाल से उन्होंने हेपेटाइटिस अपना जिगर के अमराज ठीक किए हैं। सही। जिगर के लिए हम गाजर का जूस आधा ग्लास, मौसम्बी या माल्टा या किनू का जूस आधा ग्लास, और 500 मिलीग्राम का सिर्फ एक कैप्सूल मुलेठी का। ओके, इन तीन चीजों के इस्तेमाल से जिगर के फेल में ठीक होना हमारे जिस्म की आम जिम्मेदारी और से ठीक हो जाता है। वेरी नाइस, तो आप लोग भी जरूर इसका इस्तेमाल करें। बाकी जो चीजें हैं इसमें अजवाइन है, सौंफ है, गुलाब की पत्तियां हैं, पुदीना, ड्राई पुदीना है, कासनी है, और ये मको है। ये कितनी चीजें होगी? 6 चीजें। अब इनका क्या करना है? एक एक टी स्पून लेकर 1.5 ग्लास पानी में डालिए। okay. हल्की आंच पे इसको पकाइए। जब ये 1 ग्लास रह जाए तो इसको छान लीजिए और रोजाना बिला नागा मुसलसल इस्तेमाल करें। 3 से लेकर 4 महीने के अंदर अंदर जिगर में पैदा होने वाली डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल खत्म हो जाएगी, जो फैटी लिवर की आपके इंडिकेशन है वो खत्म हो जाएगी और उसके अफाल हमेशा ठीक। 3 से 4 महीने इसका मुसलसल इस्तेमाल करना है। अच्छा, इसका पाउडर नहीं बनाना, इसको आपने इसी तरह रखना है और डेली आपने इन तमाम चीज़ों का एक एक टीस्पून आपने लेना है और इसको बॉईल करना है, इसका जोशांदा बनाना है, और रात में ही लेना है, इसको सुबह लेना है, किसी वक्त, किसी भी आप एक, लेकिन एक टाइम मुकर्रर कर लें ताकि 24 आवर्स कम्प्लीट हो जाएँ, फिर आप नेक्स्ट जो है वो इसका ग्लास इस्तेमाल करें। कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। आपने कहा इंशाल्लाह 3 महीने में, हो सकता है अल्लाह ने जहाँ रब देता है शिफा बंदे को, और इंसान तो वसीला बनता है, तो इंशाल्लाह उससे पहले आपको शिफा मिलेगी। ऐसा जो लोग हेपेटाइटिस के पेशेंट हैं क्या वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? मैंने आपसे इसकी डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल्स को ये दवा ठीक कर सकती है। ठीक है, तो हेपेटाइटिस को यकीनन आपको सपोर्ट देती है। देखिए, हम लोग इलाज करते हैं ना, हमने इलाज में एक चीज तय कर ली है कि वायरस हो गया, हमें एंटीवायरल देनी है। वायरस
और एंटीवायरल के दरमियान जंग जारी रहती है, लिवर के सेल्स की डिस्ट्रक्शन क्या हो रही है वो कोई नहीं पूछता। अच्छा, मैं एक ग्रुप देख रही थी जहाँ पर लोगों ने लिवर के मसाइल के हवाले से अपने सवालात लिखे हुए थे, तो उसमें एक साहब थे, उन्होंने लिखा था कि मेरी वालदा की उम्र तकरीबन 70 साल है और डॉक्टर ये कहते हैं कि उनका जिगर जो है वरम या ऐसी कोई चीज़ नहीं, उन्होंने कहा जिगर कमज़ोर हो गया है। ये जिगर कमज़ोर होना क्या होता है? ये ना फैटी लिवर है ना कोई ऐसी चीज़ है, क्योंकि उनसे जब सवाल किए गए तो उन्होंने लिखा था नहीं, डॉक्टर ये कहता है कि जिगर कमज़ोर हो गया। ये जिगर की कमज़ोरी क्या होती है? मैं 20 किलो वज़न इसी तरह उठा कर अपने हाथ से, एक हाथ से मैं अपने कंधे पर रख सकता हूँ जवानी में, सही, क्या मैं बुढ़ापे में भी ऐसा कर सकता हूँ? नहीं, कमजोर हो गया ना। हाँ, फंक्शंस का कम हो जाना कमजोरी है। ठीक है, जिगर कमजोर हो गया इसका मतलब है कि जिगर के जो फंक्शंस हैं वो अपने जो चीजें हैं या जो फंक्शंस हैं उनको कंपैरेटिवली स्लो रेस्पॉन्स कर रहे हैं। ठीक है, मसलन एक केमिकल गया, उस केमिकल के अगेंस्ट फॉरन एंटीबॉडीज बन गई, फॉरन हमारे जिस्म ने काम किया, अब वो जिगर पूरी तरह उन तमाम चीजों को कूप अप नहीं कर पा रहा, कवर नहीं कर पा रहा, ये जिगर की कमजोरी। अच्छा, एक और भी जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अक्सर लोग आप डॉक्टर्स जो हैं वो आपको LFT लिख कर देते हैं कि आपने लीवर फंक्शन का टेस्ट कराएं या लिवर आपका डिसऑर्डर हो रहा होता है। ये चीज़ अचानक नहीं होती, इसको वक्त लगता है, आहिस्ता आहिस्ता होती है, और वर्स्ट कंडीशन ये है कि लोग लिवर कैंसर की तरफ चले जाते हैं और उस वक्त तक उनको पता नहीं चल पाता जब तक वो चीज़ आपके लिए जानलेवा साबित नहीं हो जाती। सब ये अगर मैं कहूँ, क्योंकि पहले इसके बड़े नाम दिए जाते हैं, जब तक ये लिवर कैंसर जो है इस लफ्ज़ को सामने आने से पहले इतने लफ्ज़ और आ जाते हैं लिवर से जुड़कर कि आप उस बीमारी की तशखीस ही नहीं कर पाते, और जब वो वर्ड सामने आता है तो फिर डॉक्टर्स, क्योंकि मैं मेरी नानी की डेथ जो है वो इसी चीज़ से हुई थी, तो वो उस वक्त ये जब बताया गया था तो फिर यही बताया गया था कि डॉक्टर्स कौन होते हैं ये बताने वाले, लेकिन फिर भी यही था कि इतने दिन बाकी रह गए और एंड टाइम पर ये चीज़ जो है नॉर्मली यही देखा गया कि बताई जाती है। ये हमारा अलमिया क्यों है? ये अलमिया सिर्फ इसलिए है कि हमारे यहाँ नेगेटिव जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा हमारे जहनों में। एक बात मैं बहुत यकीन के साथ कहना चाहता हूँ और लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि इस मामले को थोड़ा सा प्लीज सीरियस ले लीजिए। अगर आपका डॉक्टर आपको कहता है कि बायोप्सी करा लीजिए तो खुदा के लिए दूर मत भागिए। हमारे यहाँ मुसीबत ये है कि हमने बायोप्सी को ब्रैकेट कर दिया है कैंसर के साथ। नो, बायोप्सी सिर्फ एक टेस्ट है। बायोप्सी में अगर इनिशियल स्टेज पर खुदा ना खास्ता कैंसर है और वो डायग्नोस हो गया इनिशियल स्टेज पे, तो भाई इलाज तो हो सकता है। अगर आप इसको अवॉइड करते रहेंगे और अगर फिर आप फोर्थ ग्रेड में जाकर के टेस्ट करवाएंगे तो फिर डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। Right. मेरी दरख्वास्त ये है कि अगर आपको किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो खुदा के लिए बायोप्सी कराइए। बायोप्सी इज जस्ट अ टेस्ट, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर बायोप्सी आपने एक मरतबा करवा ली तो आपकी तशखीस ठीक हो जाएगी, राइट वे और रॉन्ग वे। अच्छा, जो होगा वो रास्ता आपके लिए तय हो जाएगा इलाज का। अच्छा, ये जो लीवर ट्रांसप्लांट है, ठीक है, ये पाकिस्तान में तो यकीनन मैं नहीं जानती कि कितना हो रहा है और कितना कामयाब है, लेकिन हाँ, लोग पाकिस्तान से बाहर ज़रूर जाते हैं लेवर ट्रांसप्लांट कराने के लिए, और उसमें भी आपका जो फैमिली मेंबर है वही डोनर होना चाहिए, जिसमें कुछ परसेंटेज जो है वो डॉक्टर डिसाइड करता है कि कितना परसेंट आप लेवर जो है वो दूसरे को दे सकते हैं अगर उसके पास हेल्दी लेवर है, आप जो आपका डोनर है। तो सब ये जो लेवर कैंसर के पेशेंट्स होते हैं इनके लिए एक ही चीज़ की जाती है कि उनको लीवर ट्रांसप्लांट किया जाए या और भी कोई ऑप्शंस होते हैं उनके पास? देखिए, लीवर ट्रांसप्लांट की बात करते हैं हम, गुर्दे के ट्रांसप्लांट की बात करते हैं, किसी शख्स का गुर्दा निकालते हैं दूसरे को लगा देते हैं, इसमें दूसरा गुर्दा तो पैदा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। लेकिन जिगर अगर आपने किसी को ट्रांसप्लांट के लिए डोनर के तौर पर डोनी है आप, तो फिर इसका वो जिगर दोबारा आपका बन जाता है, बन जाता है। कितनी अच्छी बात है, देखिए ये अल्लाह की कुदरत है, ये अल्लाह का निजाम है बेशक। मेरी दरख्वास्त ये है कि जो लोग लिवर ट्रांसप्लांट के लिए डोनर हैं, वो डोनर जो हैं वो अपने जिगर को दोबारा पूरा कर लेंगे, उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि देखिए जिगर किसका ले रहे हैं, उसकी जो टिश्यू टाइपिंग है उसमें कितना मैच कर रहा है, ये डिपेंड करता है, ताकि उसका जिगर जिसको लगाया गया है उसका जिगर उस टुकड़े को एक्सेप्ट कर ले। अच्छा, पाकिस्तान में हो रहा है ये? पिंडी में मैं डॉक्टर गोंदल को जानता हूँ, लाहौर में मैं 2-3 डॉक्टर्स को जानता हूँ जो कर रहे हैं ट्रांसप्लांट पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में ट्रांसप्लांट खासा कामयाब है।
कराची में भी दो तीन केसेस हुए हैं और कराची में भी ट्रांसप्लांट हुए हैं, लेकिन असल में सो एक्सपेंसिव, ये डेफिनेटली काफी एक्सपेंसिव है, मतलब लाखों भी नहीं उससे भी ज्यादा पैसे, कम से कम पाकिस्तान में जो है वो 30 से लेकर 40 लाख रुपए और अगर बाहर जाए तो 1 से लेकर 1.5 करोड़ रुपए। हाँ, लेकिन फिर वहां पर वही है, टिश्यू टाइपिंग का स्टैंडर्ड क्या है, मैचिंग कैसी हो रही है, और एक डोनर जो बाहर से आप लेकर के आ रहे हैं उसके मिजाज में और आपके मिजाज में कितना फर्क है, आप इसको कैसे कंप्लीट करेंगे और कंपीट करेंगे, रिसीविंग कैसे होगी, इन तमाम पर सवालिया निशान हमेशा मौजूद। बिल्कुल, मैं खुद एक ऐसी फैमिली को जानती हूँ जो इंडिया गए थे ट्रांसप्लांट कराने के लिए, उनकी सर्जरी भी कामयाब रही बकौल डॉक्टर्स के, लेकिन वो फिर कोमा में चले गए और 3 से 4 दिन बाद उनकी डेथ हो गई थी। तो ऐसा होता भी है बहुत, लेकिन अल्लाह करे, ये बड़ी बड़ी रिस्की चीज़ें होती हैं, कामयाब भी हो जाते हैं, नहीं भी हो पाते। मैं मज़ीद भी चाहूँगी, हम इस हवाले से बहुत लंबा टॉपिक है, मज़ीद डिस्कशन करेंगे, एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद आपको फिर ज्वाइन करेंगे। सलाम पाकिस्तान में।